एहसास इमरजेंसी कैश का, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही अहम है कि हम सबको बताएं कि ये जो 146 अरब जो मिला हुआ है एहसास इमरजेंसी कैश के लिए, ये सूबों में किस तरह तकसीम हो रहा है, ये ज़िलों में किस तरह से तकसीम हो रहा है, ये तहसीलों में किस तरह तकसीम हो रहा है, बैंकों को पैसे हम कैसे देते हैं, वो हकदारों के अकाउंट्स में कैसे जमा करते हैं, कितने हकदारों के अकाउंट्स में जमा करते हैं, वो कितने पैसे निकाल रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं ये आवाम की नॉलेज में होना, उनके इल्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा होता है, ये उन्हीं लोगों का पैसा है जिनको हम वापस कर रहे हैं, इसलिए शफाफियत इसमें एक बहुत ही अहम अंसर होता है। शफाफियत को ख़ास मलहूज रखते हुए हमने एहसास इमरजेंसी कैश का एक इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है उसका हमने इजरा आज किया है, उसको हमने वेब पे डाल दिया, इसकी मंजूरी वज़ीर आज़म ने परसों दे दी थी। ये pass.gov.pk जो पावर्टी एलिविएशन डिवीज़न की जो वेबसाइट है ये उस पे एक्सेसिबल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये टोटल फिगर्स यहाँ आती हैं, फिर कैटेगरी वन की फिगर्स आती हैं और यहाँ कैटेगरी टू की फिगर्स आती हैं, और जब कैटेगरी थ्री खुलेगी तो कैटेगरी थ्री की फिगर्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त आपके सामने टोटल पोर्टल खुला हुआ है, जो अब तक पिछले 15 दिन में जितनी हकदारों को पैसा मिला है वो 5.7 मिलियन है, और जितने टोटल जो पैसे हमने दिए हैं उनको वो 68 बिलियन है, 68.9 बिलियन है। डैशबोर्ड में ये जो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसमें प्रोविंशियल ब्रेकडाउन होता है कि यानी कि सूबों में कितना हिस्सा जा रहा है, पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान और वफाक की जो बाकी इकाइयां हैं यानी कि AJK, GB और इस्लामाबाद, उनमें कितने पैसे जा रहे हैं। जो नीला जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो आपको ये बताती है कि कितने उधर हकदार हमने इनरोल कर दिए हैं, और जो काली लाइन है वो आपको ये बता रही है कि कितने हकदारों ने पैसे ले लिए हैं। ये वाला जो डैशबोर्ड है वो आपको बताता है कि पैसे कितने डिसबर्स हुए हैं और कितने निकाले गए हैं। आप फर्क देखिए, ये आपको हकदारों का नंबर बताता है कि ये नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, और ये बताता है कि पैसे कितने हैं जो जो हमने बैंकों को दे दिए और जो बैंकों से निकाल लिए हैं। अब आप यहाँ देखें कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताती हूँ कि पंजाब 2.7 मिलियन बेनिफिशरीज हैं मजमूई तौर पे कैटेगरी थ्री को निकाल के, और उनमें से कितनों ने ले लिए हैं पैसे, 2.3 मिलियन ने। सिंध पे आ जाते हैं, मजमूई तौर पर 2.28 मिलियन हकदार हैं और उनमें से 1.9 मिलियन ने पैसे ले लिए, और इसी तरह तमाम सूबों के AJK, GB और इस्लामाबाद की इधर तफसीलात दर्ज हैं। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो आपको पंजाब में ये पता चलेगा कि 33 बिलियन हमने डिपॉजिट किया है इन हकदारों के नाम पे, और उसमें से कितना ले लिया है अभी, 27 अरब जो है वो ड्रॉ हो गया है, और इस तरह तमाम सूबों का और दीगर वफाकी इकाइयों की भी तफसीलात मौजूद हैं। अब मैं आपको सूबे से आगे चल के ज़िले और तहसील की सतह पे दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में किसी समाजी तहफ़ुज़ के प्रोग्राम में इस हद तक शफाफियत कभी नहीं लाई गई कि आप किस ज़िले में, किस तहसील में कितने हकदार हैं और उनको कितने पैसे बैंक को भेज रहे हैं। उसकी तफसीलात यहाँ दर्ज हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक सर्च इंजन है, अगर आप इससे पंजाब को अगर आप पिक कर लें तो वो आपको सब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स दे देगा। अगर यहाँ आप सर्च करें, कोई भी आप कर लें, मुल्तान कर लें,
मुल्तान में आपको चार तहसीलें हैं, उनकी ब्रेकडाउन मिल जाएगी, उधर कितने हकदार हैं उनकी तफसीलात मिल जाएंगी, उन हकदारों के जो अकाउंट्स में जो हमने पैसे भेजे हैं उनकी तफसील यहाँ पे दर्ज है, कितने हकदारों ने पैसे निकाल लिए हैं उनकी तफसील यहाँ दर्ज है, और कितने पैसे निकाल लिए गए हैं उनकी भी तफसील यहाँ दर्ज है। ऊपर जाइए प्लीज, और आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब हम ऊपर चले जाएं प्लीज। अब कैटेगरी वन में हम जाते हैं। आपकी याद दहानी के लिए मैं ये बता दूं कि कैटेगरी वन वो कैटेगरी है जो पहले BISP की लिस्ट होती थी, उसमें से 8,20,165 लोग हमने दिसंबर में निकाले थे, और इस हफ्ते उसमें हमने 12,000 से एग्जैक्ट फिगर इधर स्लाइड्स पे दर्ज है, और कल ही मैंने बताई थी 12,000 से ज़्यादा लोग हमने कल निकाले हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। यहाँ आप देखेंगे कि यह जो टोटल फिगर है हकदारों की और पैसों की जो पूरी अमाउंट है वो सिर्फ कैटेगरी वन की है, और यहाँ आप देखेंगे कि सिंध का शेयर सबसे बड़ा है। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियाद पे चलाया जा रहा है, इसमें कोई नंबरों की हेरा फेरी कहीं भी नहीं की जा रही। जो जहाँ पे हकदार आइडेंटिफाइड है, जिसकी निशानदेही हुई है हुई भी है, और अगर ये 2010 की लिस्ट है तो हमने सिर्फ 2010 की लिस्टों में से जो गैर हकदार लोग थे 8,20,000 प्लस 12,000 वो निकाले हैं, बाकी लिस्टें वैसी की वैसी हैं, और इसमें कोई सियासत नहीं हो रही, इसमें बिल्कुल ही एक शफाफ तरीके से, एक गैर जानबदाराना तरीके से, एक गैर सियासी तरीके से जो भी लिस्टें मौजूद हैं हमारे पास उनको भी जो है वो रकम की तरसील हो रही है, और ये तमाम डैशबोर्ड्स जो हैं ये वज़ीर आज़म ने इन पे ब्रीफिंग ली हुई है, और उनको मालूम है कि तमाम काम शिफाफियत से हो रहा है, और उनकी हिदायत भी यही है कि ये ऐसे ही आगे चलेगा। और इसी डैशबोर्ड पे आप ये देखेंगे कि जो सिंध है उसमें रकम भी सबसे ज़्यादा जा रही है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, और फिर KP है, और इसमें आप ये भी देख सकेंगे कि आबादी के लिहाज से KP का भी शेयर ज़्यादा है, सिंध का भी ज़्यादा है और KP का भी ज़्यादा है पंजाब से। ये 2010 की तैयार शुदा लिस्टों की बात हो रही है जिनको हमने क्लीन किया है। अगर नीचे आ जाएं प्लीज़, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी हमने उसी तरह से बहुत ही ज़्यादा शफाफियत के साथ आप जा सकते हैं, किसी सिंध के किसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, और सिंध के कोई जो सबसे ऊपर है ठट्ठा उसी को खोल के देख सकते हैं। ये ठट्ठा की जो तमाम तहसीलें हैं उसमें कितने लोग हैं, उनको क्या जा रहा है, सब तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम ऊपर कैटेगरी टू में जाते हैं, और कैटेगरी टू में एक बहुत ही अहम चीज़ आपको नोट करने की है, वो ये है कि जब हमने कैटेगरी टू बनाई थी तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि कोरोना, क्योंकि कैटेगरी टू कोरोना वायरस के तनाजुर में बनाई गई हुई है, एमरजेंसी कैश के लिए बनाई गई है, ये वो लोग हैं जो 8171 के SMS के नतीजे में हमारे सिस्टम में आए हैं और हमारे डेटाबेस से वेरीफाई हुए हैं। इसमें हमने जो जो फैसला किया वो ये किया कि हम 2017 की जो मर्दमशुमारी थी उसके नतीजे में जो प्रोविंशियल GBAJK के जो पॉपुलेशन के कोटे आए थे हम उसके तनाजुर में ये रखेंगे, उनका प्रोविंसेस का GB और AJK का हिस्सा रखेंगे, और हमने बिल्कुल वैसे ही किया है। ये मैं जब डिज़ाइन जब डिस्क्राइब कर रही थी, तफसीलात बता रही थी 3 हफ्ते पहले, और जो मैंने वीडियो जारी की थी उसमें भी यही बताया गया था। और यहाँ आप इसके ऊपर अगर कर्सर लाएं तो देखें कि पंजाब के जो कोटा है वो 1.3 मिलियन है, और अभी तक कैटेगरी टू में कैटेगरी टू में 8,72,000 लोगों ने
पंजाब में पैसे विड्रॉ किए हैं। अब मेरे ख्याल से बलूचिस्तान को देख लेते हैं। बलूचिस्तान में 1,90,000 लोगों ने SMS के ज़रिए इनरोल किया और उनकी तस्दीक हुई कि ये हकदार हैं, और उनमें से अभी तक 98,671 ने पैसे निकाल लिए हैं। और इसी तरह अगर आप इस डैशबोर्ड को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पैसे कितने निकले हैं। और अगर आप नीचे आ जाएं तो इसमें भी हमने इसी तरह का डैशबोर्ड दिया हुआ है कि आप तमाम तहसील लेवल तक इसको तफसीलात मालूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, ऊपर स्क्रॉल कर लें, कि जब हम जाएंगे कैटेगरी 3 खोलेंगे तो मैं आपको कैटेगरी 3 की तफसीलात आके दोबारा बताऊंगी और आपको कैटेगरी 3 के लिए भी डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये आप इस बात को ज़रूर मलहूज रखें कि ये हमारी जो हमारे जो दो पार्टनर बैंक्स हैं, ये डेटा उनसे आता है, ये कोई हम हाथ से नहीं डालते कोई कैलकुलेशंस करके। ये ऑटोमेटिकली जो उनको डेटा जाता है कि इतने लोगों के अकाउंट्स में पैसे चले गए हैं, वो हमें भेजते हैं कि इतने लोगों के अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, ये हिसाब है। ये जो फाइल आती है वहाँ से हम इस पर शफाफियत के साथ अपलोड कर देंगे, और ये दिन के 5 बजे के बाद अपलोड हुआ करेगी। तो अगर आपने दिन के वक्त फिगर्स देखे वो पिछले दिन के होंगे, 6 बजे तक हम 5 बजे और 6 बजे के दरमियान उस दिन की फिगर अपलोड कर दिया करेंगे। तो सबको मैं आपसे को इनवाइट करती हूँ कि आप जाएं पोर्टल पे और ये तमाम फिगर्स देखें। अब मैं कुछ ज़रूरी ऐलानात की तरफ आना चाहती हूँ, और मेरी तमाम चैनल से, तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश होगी कि आप, ये पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है, आप लोगों तक इसको प्लीज़ पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे लिए कोरोना वायरस के तनाजुर में अगले 2-3 हफ्ते बहुत अहम हैं। अगले 2-3 हफ्ते लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में ही रहें, कारोबार बंद रहेंगे, ज़्यादातर दिहाड़ीदार लोगों को उजरत नहीं मिलेगी और लोग सख्त माली मुश्किलात में हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के हाथ में ये कैश जल्दी से जल्दी पहुँचे ताकि वो राशन ले के और हिफाजती तदाबीर अपनाएँ और अपने घरों में बैठें। मगर लोगों को कुछ कंफ्यूजन है मैसेजेस के बारे में। मैं जब अपनी सोशल मीडिया फीड देखती हूँ तो उस पे जो 6 बड़े सवाल लोग मुझसे कर रहे हैं उनके जवाबात मैं आज लेके आई हूँ। सबसे पहले तो ये कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये मैसेज हमें आया है, लोग कह रहे हैं कि आप, उनको मैसेज आया है कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर, जो भी नंबर है, को अहलियत के बारे में कवायफ की जांच पड़ताल के बाद मुतला किया जाएगा। तो लोग बार बार पूछते हैं कि कब मुतला किया जाएगा। तो मैं आज आपके तवसुत से सबको बताना चाहती हूँ कि अगले 15 दिन में सबको तारीख, अगर जिनको इनकार होना होगा उनको इनकार हो जाएगा, और जिनको इमदाद देनी होगी उनको तारीख वाला मैसेज आ जाएगा। नंबर 2, फिर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों को ये मैसेज आया है कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर ABC एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल हैं, रकम के हसूल के लिए आपको जल्द बजरिए SMS आगाह किया जाएगा। जब, तो इनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि 15 दिन तक सबको हतमी SMS मैसेज आ जाएगा। मगर अभी हो ये रहा है, क्योंकि अभी एक भाई ने मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले पूछा भी कि जी कुछ सेंटर्स पर रश बहुत है। वो इसलिए है कि जो ये मैसेज देखता है वो अपने करीबी सेंटर चला जाता है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिनको भी ये SMS आया है वो तारीख वाले SMS का इंतज़ार करें, तारीख वाले SMS का। और तारीख वाला SMS क्या होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है, मुख्तरमा शमीम अख्तर, आप अपना असली शिनाख्ती कार्ड लेकर एहसास प्रोग्राम के करीबी वसूली मरकज़ पर जाकर 15 अप्रैल से 12,000 रुपये वसूल करें। जो ये शमीम अख्तर यहाँ लिखा हुआ है उसने सिस्टम से खुद पिक किया है। तो अगर आपका नाम नादरा में गलत लिखा हुआ है तो वो गलत नंबर पिक करेगा। ये तमाम सिस्टम जो चल रहा है ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें हम अपने हाथ से कुछ नहीं करते। SMS का आना, उसकी जांच पड़ताल होना, जवाब जाना, बैंकों को डायरेक्शन जाना, वहाँ से हिसाब किताब आना, ये सब ऑटोमेटिक एक निज़ाम जो हमने पिछले 1 साल में बनाया था ये उसका नतीजा है। तो अगर आपको कोई गलत
यहाँ नाम आ रहा है तो आपने नादरा के दफ्तर में जाके वो ठीक करवाना है। नेक्स्ट, जिन लोगों की शिनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और उन्होंने रिन्यू नहीं कराया, पहले तो हमने 1 सितंबर के बाद की जो मुद्दत थी वो ख़त्म कर दी गई है। अगर किसी का शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हुए बहुत मुद्दत भी हो गई है तो वो जाके अपने पैसे ले सकते हैं, बशर्ते कि उनको तारीख वाला मैसेज आया हो। ये हम लोगों की सहूलत के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को, क्योंकि फिलहाल नादरा के दफ्तर बंद हैं और आपको मालूम, शायद मैंने कल ऐलान भी किया होगा कि 27 अप्रैल से, यानी कि ट्यूसडे से तमाम नादरा के दफातर खुल जाएंगे और लोगों को फिर आसानी होगी कि वो, दो तीन चीज़ें और अब आगे आ रही हैं वो मैं बताऊंगी कि क्यों उनको आसानी होगी नादरा के दफातर खुलने में। नेक्स्ट, ये सबसे अहम चीज़ है कि लोगों के अंगूठे का निशान। अब लोगों के, जिन अफराद को अंगूठे के निशानात की बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल दरपेश आ रहे हैं, वो मोरखा 27 अप्रैल से अपने करीबी नादरा दफ्तर से राबता करें और तस्दीक करवाएं, और तस्दीक के अमल मुकम्मल होते ही रकम की अदायगी में आसानी होगी। देखिए, दो चीज़ें हैं, अगर लाइनों में वो लोग लगेंगे जिनको तारीख वाला मैसेज नहीं आया या जिन्होंने सिर्फ SMS किया, तो वो तो अंगूठा लगाएंगे तो उनका तो रिजेक्शन आएगी। अगर किसी को ये मैसेज आया भी है कि आप अहल हैं मगर उसके पास तारीख वाला मैसेज नहीं है तो उसको तो रिजेक्शन आएगी। मगर अगर उन लोगों को हम निकाल भी लें तो तकरीबन 3 से 7% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंगूठे नहीं चलते और उनको नादरा के दफ्तर में जाके अंगूठों के निशानों की तस्दीक करानी होती है। तो उसके लिए काबीना ने ये फैसला किया है कि 27 अप्रैल से ये खुल जाएंगे। नेक्स्ट, फिर एहसास एमरजेंसी, ये एक और बहुत अहम चीज़ है। बहुत से लोगों को जो हकदार हैं, जो ख़ानदान हकदार हैं, उनको मैसेज आता है, अगर बेटी ने किया तो उसको मैसेज आएगा कि आपके वालिद हकदार हैं या आपकी वालदा हकदार हैं, या बीवी को आएगा कि आपके शौहर हकदार हैं। तो और अगर उसकी वफात हो गई हो तो वो इसलिए आता है कि आपने नादरा में डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया। तो इस कोई ऐसी सिचुएशन में भी दोबारा जाके और डेथ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है ताकि फिर वो घराने में दूसरे फर्द को अहल करार देके रकम की तरसील का मैसेज भेजे। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है जो लोगों को बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, और आखिरी ऐलान ये है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन 8171 से नहीं की वो बराए मेहरबानी पेमेंट सेंटर ना जाएं। अगर आप नहीं एप्लीकेशन डाल सके तो आप हमारे राशन वाले पोर्टल पे, जो 2 दिन पहले खुला है और उसका तरीक़ेकार भी वजह करेंगे, राशन के पोर्टल पे, और मेरे ख्याल से उसका URL निकाल के यहाँ पे लिख दें ताकि सब देख लें, राशन के पोर्टल पे जाके और आप अपनी एप्लीकेशन डालें। तो ये 6 ऐलानात जो हैं, मैं समझती थी कि लोगों तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी हैं कि क्योंकि अब कल से रमज़ानुल मुबारक भी शुरू हो रहा है, लोगों ने घर में राशन डालना होगा। हम चाहते हैं कि अगले 2 हफ्ते लोग अपने घरों में रहें ताकि ये जो मुश्किल जो दौर है अब ये जल्दी गुजरे। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारी सबकी पूरी कौम की दुआएं कि अल्लाह मियाँ हमें इस मुश्किल से जल्दी निकाले। मगर हम, मेरे और मेरे दादे की ये कोशिश है कि लोगों तक ये जो पैगाम है, ये पैगाम है कि रकम की तरसील का जो पैगाम है, हम तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और हमारे सेंटरों पे रश ना लगे। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी हमारी जो तीसरी कैटेगरी है जिसका तरीक़ेकार पे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अभी उसकी जांच पड़ताल जारी है और उससे मुतालिक जो भी मैसेजेस हैं वो भी जल्दी अगले 15 दिन में ही लोगों को चले जाएंगे। तो जो अगले 15 दिन का पीरियड है उसमें तमाम लोगों को यहाँ या ना
हो जाएगी। जिन लोगों को ये मैसेज आएगा कि आप अहल नहीं हैं, वो या तो सरकारी अफसर हैं या तो उनकी शरीक हयात सरकारी अफसर हैं, क्योंकि उनकी तो तनख्वाहें बंदी होती हैं। दूसरे वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बारहा मुल्क से वो बाहर गए हुए हैं, जिनकी या उनके पास या उनकी शरीक हयात के पास गाड़ी है, गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल वालों को हम इनकार नहीं भेज रहे, या तो उन्होंने एग्जेक्टिव सर्विसेज अवेल की हुई हैं, या तो उनके फ़ोन के बिल बहुत PTCL के फ़ोन के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारी जांच का एक मयार है जिस पे तहकीक की भी है, और हमें तहकीक से ये पता चलता है कि ये जो पैराए जिसकी बुनियाद पे हम लोगों को नाअहल करार देते हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। एक अपील का एक प्रोसेस, जैसे ही हम ये ख़त्म करेंगे 15 दिन, एक अपील का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको ये मैसेज आया कि आप हकदार हैं और आपको हुकूमत ने इनकार किया, तो आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा भी डाल सकते हैं। जब वो आएगा तो मैं आके यहीं उसकी भी तफसीलात बताऊंगी। तो आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। और जो एक दो बातें इसमें, एक दो चीज़ें मैं बस इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल से परसों से एक डिबेट चल रही है जो आपने देखी रात, चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट वीडियो एक हुई। मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चले। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक स्टेक होल्डर आप बैठे हुए हैं बड़े मेजर। पिछले दिनों हम जब एक कमेटी थी जो शफकत महमूद साहब की सरबराही में थी, जो मीडिया के ड्यूज को क्लियर कर रही थी, तो अब वहां पर आपका नुमाइंदा कोई नहीं बैठा हुआ था, लेकिन वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आपकी आवाज वहां पर बने। और ये वहां पर फैसला हुआ कि इन राइटिंग देंगे तमाम इदारे, एफिडेविट साइन करेंगे कि वो जैसे ही उनकी पेमेंट क्लियर होगी 48 घंटे के अंदर अंदर आपको तनख्वाहें देंगे, और जो नहीं देगा उसको आइंदा के लिए फिर उस पर वो फोरम जो है तादीबी कार्रवाई करेगा, जो भी वो फोरम मुनासिब समझेगा, जिसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स भी सारे हैं, APNS के भी और PBA के भी। इसी तरीके से जब हुकूमत फैसला करती है कोई भी, तो मजदूर को भी सामने रखना है, उलमाए कराम को भी सामने रखना है, और पाकिस्तान के आइन को भी सामने रखना है। और ओवरऑल जो फैसला, तो सबका, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि हर दूसरे पाकिस्तानी का जान माल जो है वो महफूज रहे, और वफाकी हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्यादत में ये अव्वलीन प्राइम मिनिस्टर की पहले दिन से कोशिश है और सिदके दिल से कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों का भला और गरीब का खासकर भला हो। जो भी पॉलिसी बने वो गरीब सेंट्रिक हो, ना कि जो पाकिस्तान के 70 सालों में रिच एंड अपर क्लास सेंट्रिक बन रही वो हो। अगर आप ये देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर के दिल के सबसे करीब प्रोग्राम है, या जो हमारा जिसमें हम सबसे ज्यादा बैंक कर रहे हैं, जिसको हम अपना फ्लैगशिप कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट का, वो ये एहसास प्रोग्राम है आपके सामने है, और इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं की जाती, सिर्फ इसको लोगों की खिदमत के लिए इस प्रोग्राम को फोकस किया हुआ है। तो जो ये बार बार बात की जाती है कि शायद हुकूमत इस वाले जो पिलर ऑफ सोसाइटी है उसको दबा ले, तो ये मुनासिब नहीं है। अगर मसाजिद का फैसला करना है तो उसमें उलमा कराम की राय मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है, उसमें जो हमारा दीनी तबका है उनकी राय बहुत ज़रूरी है, उन्हें ऑन बोर्ड करना है। कल मैं एक टॉक शो पे था तो वहाँ पर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो फिगर दे रहे थे कि 4 लाख मसाजिद हैं, और अगर 100 लोग आए हर मस्जिद में तो 4 करोड़ आएंगे, और अगर 50 आए तो 2 करोड़ आएंगे। तो आप इसको दूसरी तरफ से भी देखिए कि अगर आप 2 पुलिस वाले भी एक मस्जिद के सामने मामूर करते हैं, अगर आप पार्टिसिपेशन डिस्कशन बाहमी रजामंदी से चीज़ें नहीं करते, तो दूसरा एंगल ये है, तो आप बताइए 8 लाख आप कहाँ से लाएंगे पुलिस और इन्फोर्स करने के लिए, और फिर उसके जो दूसरे सोसाइटी के ऊपर असरात हैं वो देखिए। तो बात इसमें दूसरी बात ये कि क्या इस सोसाइटी में कुछ लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छा। फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, वो हमारे हीरो हैं क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे हैं। हमारे डॉक्टर, हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, और कौम का उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बायसे फ़ख्र भी है और काबिल तहसीन भी है इस टाइम। इसके साथ साथ जो फ्रंट लाइन पे हमारे लोग जो लोगों को इमदाद देते हैं, या हमारे ये जो बीट रिपोर्टर्स हैं मीडिया में, कुछ लोग दफ्तर में बैठे हुए हैं, कुछ बीट में हैं,
जो बीट रिपोर्टर हैं, जो कैमरा और माइक्रोफोन लेके हर जगह पे जा रहे हैं, वो भी उतना ही रिस्क ले रहे हैं क्योंकि लोगों के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारे बसों के ड्राइवर हैं, जिन जगहों के ऊपर, ऐसी जगहों पे कोई बस चलती है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे या किसी हॉस्पिटल में, कोई भी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो भी हीरो हैं क्योंकि वो भी एक्सपोज हो रहे हैं फ्रंट पे। तो जितने लोग भी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी, हमारे दूसरे तमाम वॉक्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी, जो भी फ्रंट लाइन पे अपने इस टाइम फराइज अंजाम दे रहे हैं, जहां पे पूरा खतरा है लेकिन वो फिर भी कौम के लिए काम कर रहे हैं, वो सब काबिल तहसीन है। तो जो ये एक मसाजिद के ऊपर बार बार बात की जाती, इसमें वफाकी हुकूमत का यही है कि मिलके बात करके, कंसेंसस करके तमाम एलिमेंट्स काम में आगे चलना है। पहले भी एनसीसी का फोरम हो या कोई और फोरम हो, उस पर कंसेंसस करने की कोशिश की गई। वहां पर डॉक्टर्स भी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी अर्ज की, डॉक्टर फैसल हैं शौकत खानम से, डॉक्टर फैसल हैं आगा खान से, हमारे अपने डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं वो भी, और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता डॉक्टर साहबा भी पीएचडी के साथ साथ इनके पास मेडिकल की भी डिग्री है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज में, कुछ पब्लिक हेल्थ में, उनका भी ओपिनियन उसमें शामिल होता है और डिसीजन मेकिंग होती है। तो बुनियादी तौर पर हमें सबको इकट्ठे होकर इसके ऊपर काबू पाना है या इससे फाइट करना है। ये राय देना कि किसी एक जो पिलर ऑफ सोसाइटी है उसको दबा लिया जाए या उसको ज़्यादा प्रोजेक्शन दे दी जाए, वफाकी हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत करके सबका फ़ायदा देखना है, किसी का नुकसान नहीं देखना, और कोशिश करनी है कि सबको साथ लेकर एक रजामंदी के साथ ये काम करें, और यही कोशिश की जा रही है। और हमारी बार बार उलमा से भी रिक्वेस्ट है, जो 20 नकाती चीज़ें उनके साथ तय हुई हैं WHO की डायरेक्शन में, जो उनकी हदायत हैं उनकी रोशनी में, कि वो उलमा उस पर मैक्सिमम अमल करवाएं, क्योंकि उलमा अल्लाह के घरों के कस्टोडियंस हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम उनके इस बारे में शुक्रगुजार हैं कि वो तआवुन कर रहे हैं। बहुत सारे उलमा जैसे मुफ्ती मुनीब साहब हैं, उन्होंने खुद वॉलंटियर किया कि वो मस्जिद में नहीं जा रहे, तो बहुत सारे उलमा बड़ी अच्छी रोशन मिसालें भी बन रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आवाम से भी ये करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, और अगर मुनासिब समझें तो उनसे गुजारिश है कि अपनी इबादत भी अपने घर पर करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो लेकिन जो दोबारा मैं बात रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान के आईन के हिसाब से आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अगर एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है तो। अगर आपके साथ एमरजेंसी की सिचुएशन हम ना बनने दें एज अ कौम, तो हम कोई ऐसा लॉ नहीं लाना चाहते जो आईन के जो बेसिक राइट्स हैं किसी के भी, उनको मुअत्तल किया जाए। साउथ कोरिया की एग्जांपल लें तो कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ। अमेरिका की एग्जांपल दें तो कोई ज़बरदस्ती किसी को चर्च में या मस्जिद में जाने से नहीं रोका गया। सो बहुत सारे मुल्कों से, आपको जर्मनी ने बर्लिन में मसाजिद खोली हैं अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परवाह ना करें, इसका मतलब ये नहीं कि एहतियाती तदाबीर ना लें। हमें एहतियाती तदाबीर लेनी है और बहुत ही एहतियात के साथ चलना है, और इसको पोलिटिसाइज भी नहीं करना। जो बार बार ही इसकी पॉलिटिक्स पे बात की जाती है, तो आप सबको पता है कि एक खास पार्टी ने खास सूबे में 2 से 3 हफ्ते लगातार सियासत की, तो मजबूरी में उन्हें जवाब देना पड़ा। अभी भी हमारी आपसे गुजारिश है, दस्त बदस्त गुजारिश है कि ये मौका सियासत का नहीं है, बराए मेहरबानी आइए इकट्ठे मिलके इस कोरोना को भी शिकस्त दें और इसमें अपने जो गरीब हैं उनका सहारा बने। आपका बहुत शुक्रिया। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग है जिसमें हम दोनों ने जाना है, तो हम 3 से 4 सवाल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। देखिए जी, हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स पे बताया कि 48 मिलियन हमारे पास यूनिक CNICs थे, जो हमने डुप्लीकेशन निकाल के यूनिक CNICs थे, उसमें हमें जो अभी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैंडेट जो मिला हुआ है, जो काबीना से अप्रूव्ड है, जो मैंडेट मिला हुआ है, जो पैसे हमें अप्रूव हुए हैं ECC से, कैबिनेट से, वो 12 मिलियन के हैं, यानी कि 1,20,00,000 लोगों के। मगर हमारी जो CNICs आई हुई हैं हमारे पास रिक्वेस्ट, वो 48 हैं। तो उसमें उसमें हम
19 मिलियन जो है यानी कि 1 करोड़ और 90 लाख 1 करोड़ 90 लाख जो है वो हम अभी डिस्ट्रिक्ट्स को वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं, मगर हमारे हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख जो हैं वो उन 1 करोड़ 20 लाख के अलावा भी हकदार हैं। तो अब काबीना के पास और ईसीसी के पास दोबारा हम जाएंगे ये सवाल और फंड्स के लिए, तो मैं इसके के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती कि वो फंड्स ऑथराइज होंगे, कब होंगे और कैसे होंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो आपका सवाल था कि दोबारा एसएमएस, मेरे ख्याल से आप यही फरमा रहे थे कि दोबारा एसएमएस कैंपेन खुलेगी या नहीं, तो मैंने ये इतना लंबा जवाब आपको इसलिए दिया ये बताने के लिए कि अभी तो हमारे पास क्यू बहुत लंबी है, तो दोबारा एसएमएस कैंपेन खोलने का जवाब तो तभी बन सकता है जब मैं ये कहूँ कि जी ये जितने आए थे और जितने हकदार थे उन सबकी तो हेल्प हो गई है और हाँ अब हमें दोबारा खोलनी चाहिए, तो अभी हम उस स्टेज से बहुत दूर हैं। पिछले दिनों जनरल अफजल ने एनडीएमए के विकेट हैं, उन्होंने एक चैनल पे बात करते हुए कहा कि जो 14 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज खोलने की बात की, कुछ शॉपिंग सेंटर्स और मसाजिद खोलने की बात की, इसका असर कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए, उनकी कितनी तादाद है, ये 15 मई के बाद पता चलेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की थी कि 15 मई के बाद पाकिस्तान में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ सकती है, तो ये क्या खदशा है कि लोगों को बाहर निकलने देने से, मसाजिद में जाने से ये तादाद बढ़ जाएगी? चूंकि अपोजिशन के एक सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कोरोना एक वुल्फ है और इसका दो तरीके से इलाज हो सकता है, या इंसानी जिंदगियां इसके मुंह में डाल दी जाए या पैसा इसके मुंह में डाला जाए, पैसा इन सेंस के लोगों को घरों तक रखा जाए और उनको मुसलसल फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। हुकूमत ये कर रही है कि पैसा सेव कर रही है और उनको बाहर जाने दे रही है जिससे जिंदगियों को शदीद खतरा है। आप क्या कहें? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये डिबेट बहुत चल रही है, आल्दो एक बड़ी एकेडमिक डिबेट है, शॉर्ट टर्म में इसका जवाब देना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ कि इसमें आपने जितने लोगों के भी नाम लिए, इंक्लूडिंग शहबाज गिल जो सामने बैठे हैं, हम सब बाहर निकले हुए हैं, आप खुद भी, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका अखबार किसी और को हायर करेगा, अफजल साहब भी अपना काम कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब भी, मुसद्दिक मलिक साहब भी, लेकिन इसमें जो बंदा घर में तड़ा हुआ है ना वो दिहाड़ीदार है, ये नहीं कि वो निकलना नहीं चाहता, उसके पास बाहर जगह नहीं। मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि इसको ऐसे समझिए कि आपके घर में आटा दाल चीनी सारा राशन ख़त्म हो गया, बच्चे का दूध भी ख़त्म हो गया, अब कर्फ्यू लगा हुआ है और आप बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे आगे से जो मौजूदा एंकर थे उन्होंने कहा लेकिन ऐसे कर्फ्यू तो नहीं लगा, मैंने कहा आपके और मेरे लिए नहीं लगा क्योंकि हमारी जेब में पैसा है, हम बाहर जाके खरीद सकते हैं। एक दिहाड़ीदार है जिसके पैसे महीना पहले के ख़त्म हो गए हुए हैं, उसके बाद उसने कर्ज लेके भी ख़त्म कर लिए, अब वो अगर बाहर दुकान पे चला भी जाए तो वो कुछ खरीद नहीं सकता, तो उसके लिए तो ऐसा ही कर्फ्यू है कि जैसे उसको मैसूर कर दिया। तो बुनियादी तौर पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जनरल साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये 15-20 दिनों के बाद इसका पता चलना है, क्योंकि वो इस टाइम लीड कर रहे हैं फ्रंट से एनडीएमए को भी और उनको हैंड्स ऑन है, हर जगह सामान भी पहुँचा रहे हैं बड़ी एफिशेंसी के साथ माशाल्लाह, तो उनका ये तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इसका दूसरा है कि हमें जो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि या पैसा डाल दें या मौत डाल दें, मैं कहता हूं नहीं, ये दोनों बातों से काम नहीं बनना, एहतियात डालें इसके मुंह में। अगर आप एहतियात इसके मुंह में डालेंगे तो सारी जैसे दूसरे मुल्कों ने किया है, अब आप देखिए अमेरिका में भी वर्मोंट है, ओहायो है, टेक्सास, ओहायो और टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट्स हैं और वो दोनों खुलने जा रही हैं, इसी तरीके से मैंने जर्मनी की एग्जाम्पल आपको दी, तो दूसरे तमाम मुल्क भी जहां इस टाइम हज़ारों में रोज़ाना की या सौ में रोज़ाना की तादाद में अमवात हो रही, हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा नंबर है, अल्लाह ना करे वहां भी ना हो और यहां भी ना हो, लेकिन आपको अपनी 24.9% आबादी का सोचना पड़ना है। अभी आपसे ये दुनिया ग्रुप से इन्होंने कितना अच्छा सवाल किया कि लोग बहुत सारे कह रहे हैं कि इसको खोलें हम रजिस्टर नहीं हो सके, एक बहुत बड़ी तादाद अभी बैठी है और बहुत सारे लोग इनमें से शायद रजिस्टर्ड होना भी नहीं चाहते इस प्रोग्राम पे, उनका दिल नहीं है लेकिन उनके पास इस टाइम और कोई रास्ता नहीं है। तो जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी इस टाइम पे स्ट्रेटजी है, ये सबको खुश नहीं कर सकती, मैं आपसे मानता हूँ ये बात,
हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन आपने इंसाफ के साथ चलना है, आपने देखना आपका जो मार्जिनलाइज तबका है वो कहीं बिल्कुल ना पिस जाए। तो एक या दो और सवाल लेंगे, आपसे शुरू करते हैं फिर हमने निकलना है। जी जी देखिए, इसमें एक बात तो जहन में रखिए कि ऐसा कोई मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं दिया गया और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस टाइम काबले गौर है और ना ही की जाएगी। इस टाइम रोज़गार देने की बातें हो रही हैं, रोज़गार छीनने की बातें नहीं हो रही और ना होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल जहन में रखिए, किसी ने आपको गलत खबर दी है और ये बिल्कुल नहीं है। और कोशिश पूरी करेंगे कि हर जो भी हुकूमत कर सकती है हर सेक्टर में वो करे ताकि वो रिवाइव हो और गरीब का चूल्हा चले। आखिरी सवाल लेंगे। जी हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं फील्ड में, जो लोग हैं उनको, जो हमारे बैंकिंग पार्टनर्स हैं उनको, जो अपने इदारे के जो लोग वहाँ मॉनिटरिंग करते हैं उनको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि जब भी कि वहाँ हैंड वॉशिंग, हाथ धोने का सामान होगा, साबुन मौजूद होगा, अगर पानी का बंदोबस्त होगा तो डिस्पोजेबल गिलास होगा, जो मशीनें जो इस्तेमाल होती हैं बायोमेट्रिक के लिए उस पे जो अल्कोहल जो स्वाब्स होते हैं, जो पहले अल्कोहल स्वाब से उसको साफ किया जाएगा, उंगली को साफ किया जाएगा और इस्तेमाल के बाद अल्कोहल स्वाब दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत सख्त गाइडलाइंस हैं। और जो हम 5 बजे की रोज़ाना की बुनियाद पे 5 बजे की मीटिंग करते हैं, किसी वक्त आप भी तशरीफ लाइए देखिए, उसमें हम स्क्रीन पे अपने बैंकों के साथ, अपनी मॉनिटरिंग टीम, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो अपने जो प्रोविंशियल जो डीजीज होते हैं उनकी फील्ड ऑफिसर्स, और उसमें जो अदाद व शुमार पेश होते हैं उसमें ये भी हमारे सामने रखा जाता है कि किन जगहों में अल्कोहल स्वाब ख़त्म हो गए थे, सैनिटाइज़र ख़त्म हो गए थे। तो इस चीज़ पे पूरी इसकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी हैं और इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्योंकि ये हिफाजती तदाबीर बहुत ही अहम है। बहुत सारी शिकायत आई कि पैसे कम दिए गए, लाइनों में लगाया गया, धक्के मारे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ से शिकायत आई मुतलका बैंकों से पैसे कम दिए गए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। और यह क्या पॉसिबल है क्योंकि आजकल सारी डिजिटल मशीनें हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ से कार्ड स्वैप हो सकता है, क्या आपके लोग घरों में जाके उन बुजुर्गों को, उन खातिन को घरों में जाके पैसे नहीं दे सकते? देखिए जी, हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है। तो अगर आप मशीनों को, हमने मशीनों को फेंस किया होता है कि वो इस ज्योग्राफिक एरिया से बाहर ना जाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी जो पेमेंट्स हैं वो ज़्यादा कैंप्स में हो रही हैं, क्योंकि कैंप्स में लॉ इन्फोर्समेंट वाले भी खड़े हैं, पुलिस वाले भी खड़े हैं, स्पेशल इदारे भी खड़े हैं, हमारी मॉनिटरिंग टीम्स भी खड़ी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी खड़े हैं, वहाँ पर किसी का काटना मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल होता है। अगर हम उस पर वो ज्योग्राफिक चेक हटा दें कि जी मशीन, और हम खाली ज्योग्राफिक चेक नहीं, टाइम चेक भी लगाते हैं। पहले हमारा सुबह 9 बजे से 7 बजे तक चेक था, अब कल हमारी 5 बजे की जो मॉनिटरिंग मीटिंग है उसमें हमने सुबह 9 बजे से 4 बजे तक चेक लगा दिया, ताकि वो मशीनें हमारे सामने यूज़ हों और वो मशीनें उस प्रेमिसेस से, उस अहाते से बाहर जाके इस्तेमाल ना हो। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपने फरमाया कि लोगों को घरों में जाके पैसे दें, वो हम नहीं चाहते, क्योंकि जब वो घरों में पैसे जाते हैं तो वहाँ कटौती ज़्यादा होती है।
अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे कुछ बहुत फरिश्ता सीरत लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी अक्सरियत लोगों की है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं और ये ज़्यादा शिकायत हमें साउथ पंजाब और इंटीरियर सिंध से आती हैं कि जहाँ पे लोग अब मासूम लोग होते हैं, बिल्कुल उनको जो इंग्लिश में कहते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी उनको नहीं है, अंगूठा लगा के पैसे ले लेने, ये बताना कि हुकूमत ने तो 12,000 भेजे हैं मगर उस पर 1,000 रुपये टैक्स लगा दिया है, अब वो लोग तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनते। तो इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स खास पॉकेट्स में बहुत आ रही हैं, और क्योंकि हम डेटा का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं मॉनिटरिंग के लिए, तो हमें जैसे कल की मीटिंग में हमें ये पता चला कि जो लंबी लाइनें लग रही हैं, जो आपने फरमाया लंबी लाइनें 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 अज़ला में ज़्यादा लग रही हैं, तो आज जो हमने अपने सोशल मीडिया के एड्स डाले हैं उन 23 डिस्ट्रिक्ट्स में डाले हैं, जो मेरा 6 नंबर मैसेज जो था कि जी अगर 817 मंथ पे आपने रजिस्टर ना किए नहीं आए, तारीख का मैसेज नहीं आया तो ना आए, वो बात कहीं से कहीं चली गई, मगर मैं आपकी बात आपको ये बताना चाह रही थी कि जो आपने फरमाया ना कि घरों में जाके दें, ये तो आइडियल सिचुएशन होगी कोई, क्योंकि हमें मालूम है माजूर लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि उनको जाके घरों में दिए जाए, मगर हमने एक सिस्टम चलाना है, उस सिस्टम में चेक्स लगाने हैं, और उस सिस्टम में चेक्स लगाने के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिससे एक बहुत छोटी परसेंटेज इफेक्ट होती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कहीं किसी जगह में अगर लाइन ब्रेक हो, धक्के लगे हैं, लोगों को चीज़ ऑर्डरली तरीके से नहीं हो, तो वो सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा चलती है, ज़्यादा जिक्र भी उसका होता है, मगर 9,000 हमारी डिस्बर्समेंट साइट्स हैं, और अक्सर डिस्बर्समेंट साइट्स में लोगों को इज्जत से बिठाया जाता है, जैसे आप बैठे हैं डिस्टेंसिंग से ऐसे बिठाया जाता है, हाँ उनको वेट करना पड़ता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। हाँ लोगों को प्रॉब्लम भी हो रहा है बायोमेट्रिक के साथ 3-7% को, मगर अगर ये मैं चेक्स हटा दूँ तो फिर वैसे ही पिलफरेज होगी, वैसे ही चोरी होगी, वैसे ही करप्शन होगी जो समाजी तहफ़ के इदारों में पिछले 70 साल से हो रही है। तो हमें देखना चाहिए कि एक लार्जर इंटरेस्ट में हमने क्या चीज़ करनी है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑन अ डेली बेसिस हम अपनी SOPs रिवाइज कर रहे हैं, ऑन अ डेली बेसिस डेटा को देखते हैं कि क्या मसला है, कहाँ है, उसका सोल्यूशन किसके पास है, बैंक के पास है, हमारी मॉनिटरिंग टीम के पास है, या हमारे जो 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 अफसरान है एहसास के अफसरान उनके, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। जी मैं जवाब दे दूँ उनके, मैं उनके सवाल का जवाब, जी देखिए इसका जवाब यही है कि वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाती वतवस्सौ बिलहक वतवस्सौ बिस्सब्र, इंसान घाड़े में है। मौलाना साहब ने एक अच्छी बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने किसी को टारगेट नहीं किया। कई दफ़ा हम जब जज्बाती होते हैं, गुस्से में होते हैं, इमोशनल होते हैं, गम में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो आप बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ बाहर की नहीं देख रहे होते, आप अपने अंदर की बात कर रहे होते हैं। तो मौलाना साहब तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, वो अपने पाकिस्तानियों की भी, अपने इर्द गिर्द वो भी इंसान हैं, लोग रोज़ लोगों से मिलते हैं, उनकी तकालीफ सुनते हैं, तो अगर उन्होंने अपने दिल के जज्बात में कोई बात एक अल्लाह से दुआ की है या कोई बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी के लिए टारगेटेड है, उसको दरगुजर करना चाहिए। और उसको जो कल से बहुत सारे लोगों ने उन्हें टारगेट करने की कोशिश की है, वो एक मेरे ख्याल में एक ऐसे हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ है, फ़लाँ ने मुझे ये चुपती बात कह दी, फ़लाँ ने ये चुपती बात कह दी, तो मौलाना तारिक जमील एक ऐसा नाम है कि जो ज़्यादा आपने देखा होगा हमेशा मोहब्बत बांटते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मीठी बात करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में वैसे ही कम है। हालांकि हमारा और आपका जो कलीगशिप का रिलेशनशिप है, इसमें हमने जवाब देना होता है, आपने सवाल करना होता है। अक्सर आप देखते हैं कि हम भी अपनी अपनी रविश में सवाल से भूल के उसकी टोन पे फोकस होता है, जवाब देने का वाले का भी, करने वाले का भी। तो ऐसे माशरे में जहाँ पर टॉलरेंस पहले ही कम है, वहाँ पर मौलाना साहब जैसे लोग जो हैं वो अल्लाह की नेमत हैं। आप उनके किसी भी नज़रिए से, आपकी मर्ज़ी है, आप उनके किसी अकीदे से, किसी बात से अपना डिफरेंस रखिए, उनकी राय से भी डिफरेंस रखिए, वो आपका हक है। लेकिन ये बात तो तय है कि मौलाना जो है वो खुश गुफ्तार हैं,
और बहुत ही मीठी जुबान वाले, इखलाक वाले, और कल उन्होंने एक प्रोग्राम के ऊपर ये भी कहा कि अगर किसी की दिलचस्पी हुई है तो वो उससे उनसे माजरत चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो वो सोसाइटी को देते हैं प्यार मोहब्बत मिठास, वही हमें उन्हें लौटानी चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि आपने सवाल किया क्योंकि मुझे इसके जवाब देने का मौका मिला है। लोगों को जवाब 15 दिन के अंदर सबको दे दिया जाएगा। 1,20,00,000 खानदान जो हुकूमत ने प्रॉमिस किया है सबको जवाब मिल जाएगा। अगर मगर 2 हफ्तों में सबकी पेमेंट शायद ना हो सके, जब तक आखिरी फर्द की पेमेंट नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। सेंटर खुले रहेंगे, बैंकों की ब्रांचेस उनके लिए खुली रहेंगी, और हमारा जो कंप्लेंट का जो सिस्टम है, जो अपील्स का सिस्टम है, वो भी उनके लिए खुला रहेगा। तो इस तरह की परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपको मैसेज आता है कि आप हकदार हैं तो आपको तारीख वाला मैसेज जरूर आएगा, और तारीख वाला मैसेज अगर वो 3 हफ्ते बाद भी हो तो आपको पेमेंट ज़रूर होगी। अगर आपकी पेमेंट में आपको कोई मसला आ रहा है बायोमेट्रिक की वजह से, तो आपके लिए हुकूमत ने नादरा के दफातर खास तौर पे खोले हैं ताकि आपकी अंगूठे की तस्दीक हो सके। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप बेशक मेरे ट्विटर पे अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख के अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम भेज दें, क्योंकि मुझे मालूम है हमारी हेल्पलाइन में लोगों को फ़ोन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। हमारी हेल्पलाइन जो है उसमें इस वक्त जो मतलब लाखों की तादाद पे 1 मिनट में लोग क्यू होते हैं, तो इसलिए आप हमें सोशल मीडिया पे एहसास के सोशल मीडिया पे मैसेज भेजते हैं, मेरे पे मैसेज भेजें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि सबकी इंडिविजुअली तकलीफें दूर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे थे आप मामले खुसूसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तख़फ़ीफ़े ग़ुरबत डॉक्टर सानिया निश्तर और शहबाज़ गिल की। इस मौके पर इनका ये कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि मिलकर कोरोना वायरस